गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। हमने लिया राजनीतिक विज्ञान, अध्याय 15 है, भाग 2 है। अध्याय का नाम है लोकतंत्र में जनसहभागिता। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मतदान और मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने लोकतंत्र क्या होती है, चुनाव क्या होती है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। मतदाता और मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व, अनेक तत्व है जो मतदान और मतदान के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि मतदाता सूची में इतने बहुत लोगों की नाम पंजीकृत रहता है, पर चुनाव डालने की प्रक्रिया में अंतर होता है। वे किसी कारणवश, जैसे जाति हो गया, धर्म हो गई, भाषा हो गए, रूढ़िवादी एवं संकीर्ण विचारधारा, जिसके कारण मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कई नीतिगत बातों को ध्यान में न रखते हुए, योग्य शासक का निर्माण न करते हुए, विभिन्न व्यक्तियों के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके प्रलोभन में आकर, जैसे उनके द्वारा दिए गए प्रलोभन, पैसे एवं शराब, विभिन्न प्रकार के सामानों की चीजें की बंटवारा प्राप्ति के कारण वे क्या होते हैं, मतदान प्रक्रिया में नहीं भाग लेते। हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ महिलाओं को भी समान अधिकार है और बहुत से क्षेत्रों में आज भी महिलाएं पिछड़ी हुई है, उनकी सोच में काफी अंतर है। पिछड़े क्षेत्रों में महिलाएं सोचती है कि उनका कार्य घर, केवल घर के बच्चों के पालन पोषण एवं बागडोर तक ही सीमित है। वे मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते और वे सोचते हैं अगर हम एक मत नहीं डाले तो मतदान क्या प्रभावित होगा, जिससे कि मतदान व्यवहार प्रभावित होता और योग्य शासक नहीं चुना जाता, विशेषकर कोई जाति एवं धर्म के आधार पर अपना शासक बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग अयोग्य उम्मीदवार को चुन लेते हैं जो उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए इनका कार्य नहीं करता, केवल धर्म जातिगत भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे मतदान व्यवहार प्रभावित होते हैं। और कोई अपने क्षेत्र को आगे लाने के लिए इतना प्रचार प्रचार करते हैं, जिसके कारण मतदान व्यवहार क्या होता है, प्रभावित होता है। हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हमें ऐसे शासक चुनना चाहिए जो सभी धर्म जाति के लोगों को क्या दे, बढ़ावा दे, अपने निजी स्वार्थों को महत्व न देकर सभी वर्गों के लोगों के हितों को क्या करे, महत्व दे। इस प्रकार मतदान व्यवहार विभिन्न राजनैतिक दल, दबाव समूह, विभिन्न महिलाएं संगठन भी प्रभावित करती है। इस प्रकार और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मास मीडिया इस प्रकार मतदान व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अतः हमें मतदान व्यवहार में जाति, धर्म, भाषा, रूढ़ि विचारों को अलग करके आगे आना चाहिए, ताकि हम क्या करें, जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लें, ये हमारा अधिकार है, और योग्य शासक चुने जो हमारे समाज के लिए क्या करे, अच्छा कार्य करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।